राहुल गांधी जी जो है, राहुल गांधी जी के ऊपर इतने इल्जाम लगे, किसी के ऊपर कभी केस नहीं आया। उसी की कड़ी में आज हम भी कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जिस ढंग से राहुल जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और राहुल की गांधी जी की आवाज़ को ईडी के थ्रू भी दबाने की कोशिश की, बड़ी मशक्कत की, कुछ नहीं यहाँ पे लिखना। लोकसभा में वो आवाज करना बुलंद करना चाहते थे, वहाँ पे बोलने की आवाज यहाँ पे नहीं देखने को मिली। जो राहुल जी ने अडानी का मोदी साहब का रिश्ता है के बारे में सवाल लो कि तीखी बोछार यहाँ पे की, उसका जवाब मोदी सरकार नहीं दे सकते। हमें लगता है कि किसी न किसी ढंग से भाजपा में बौखलाहट है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा इनके सामने ना आ पाए, सदस्य को लेकर सवाल यहाँ पर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब लोग विकार सूद साहब, हम सब लोग मिलके राहुल जी के समर्थन पे यहाँ पे सड़कों पर उतरे। देखिए, कोर्ट के आर्डर का सम्मान करते हैं, कोर्ट की जो लड़ाई है वो अदालत में ही लड़ी जाएगी। उसके लिए पार्टी ने ऑलरेडी कल दिल्ली में भी बयान दिया है, लेकिन हम लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। जैसे रमन जी ने कहा कि हम सावरकर नहीं है कि जो लिखकर माफ़ी मांगेंगे, और लोगों की आवाज़ को थाने में अगर कोई रोकेगा तो उसके लिए अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो हम सब तैयार हैं जेल जाने के लिए, लेकिन लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे और उनके मुद्दों को उछालते रहेंगे। और राहुल जी ने कोई गलत नहीं किया, राहुल जी को पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा, बाहर भी बोलने की अब आज़ादी देखा हमने खो चुके हैं। राहुल जी ने जो टिप्पणी की थी वो कुछ ऐसे लोगों के लिए की थी जो देश को लूटकर भाग के बाहर चले गए, उन लोगों ने तो किसी ने कंप्लेन नहीं की, लेकिन हम उनके कोर्ट के सम्मान करते हैं, इसकी लड़ाई कोर्ट के जरिए लड़ी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।